नमस्कार, जोहार, आदाब। क्लीन न्यूज झारखंड में आपका स्वागत है। आप जानेंगे खबर पूरे संथाल परगना से। खबर के लिए रुक करते हैं सबसे पहले दुमका। दुमका में अवैध कोयला खदान बंद कराने गए अधिकारियों को घेरा। शिकारी पाला के गंद्रकपुर में चल रही अवैध कोयला खदान को बंद करने पहुंचे टास्क फोर्स के अधिकारियों को शुक्रवार को ग्रामीणों के गुस्से का शिकार होना पड़ा। महिलाओं ने 2 घंटे तक SDO, SDPO, DMO, CO और थानेदार को घेर कर रखा। उन्हें वहां से निकलने नहीं दिया गया। झामुमो के एक नेता के समझाने के बाद लोग शांत हुए। एग्रो टेक्नोलॉजी पार्क बनकर रह गया उद्यान विभाग का कार्यालय। दुमका पाकुड़ मुख्य पथ पर करहल बिल के सामने 1.5 दशक पूर्व बनाए गए एग्रो टेक्नोलॉजी पार्क की पहचान अब जिला उद्यान विभाग से ज्यादा कुछ भी नहीं है। तकरीबन 2.5 करोड़ रुपए से अधिक खर्च कर सूबे के तत्कालीन कृषि मंत्री नलिन सोलन के कार्यकाल में एग्रो टेक्नोलॉजी पार्क का निर्माण कराया गया था। हालांकि पार्क जिस उद्देश्य से बनाया गया उसकी उपयोगिता आज तक तय नहीं हो पाई है। 25 एकड़ भूभाग में फैले एग्रो टेक्नोलॉजी पार्क बनाने का उद्देश्य किसानों को नई तकनीक से जोड़ना है। कुपोषण से जंग चुनौतीपूर्ण, जीत के लिए समन्वय जरूरी। दुमका के उपायुक्त राजेश्वरी बी ने कहा कि कुपोषण से जंग चुनौतीपूर्ण है और इस पर जीत हासिल करने के लिए समन्वय बनाकर सामूहिक व सतत प्रयास की जरूरत है। कहा कि कुपोषण का फीसद घटे इस लक्ष्य को सामने रखकर काम किया जाए। शुक्रवार को पोषण अभियान से संबंधित बैठक की अध्यक्षता कर रही उपायुक्त ने कहा कि आंगनबाड़ी केंद्रों को आधारभूत संरचनाओं से लैस होना जरूरी है। खबर अब गोड्डा से। बोलेरो की चपेट में आने से युवक की मौत, एक युवक घायल। शुक्रवार देर शाम मोतिया ओपी क्षेत्र के गोड्डा भागलपुर राष्ट्रीय राजमार्ग 333 पर डुमरिया गांव में नील झील नदी के पुल के तीखे मोड़ पर बोलेरो मोटरसाइकिल के आमने सामने की जोरदार टक्कर में बाइक सवार रमनी यादव का पुत्र 30 वर्षीय सिट्टू यादव की मौत घटना स्थल पर ही हो गई, जबकि उस पर सवार चचेरा भाई उपेंद्र यादव गंभीर रूप से घायल हो गया है। दोनों सीमावर्ती राज्य बिहार के बांका जिला का अंतर्गत धोरिया प्रखंड के रनगांव पंचायत के बिछोतिया गांव के निवासी बताए जाते हैं। दोनों रिश्ते में चचेरे भाई हैं। नवजात की जान बचाने वाले अग्निशमन कर्मी होंगे पुरस्कृत। गुरुवार की सुबह अलह सुबह सनराइज अस्पताल में आग लगने के दौरान जान जोखिम में डालकर लगभग 10 नवजात को रेस्क्यू करने में अहम योगदान करने वाले अग्निशमन विभाग के प्रधान चालक सुनील कुमार और रिंकू सिंह को पुरस्कृत किया जाएगा। दोनों को अग्निशमन निदेशालय भी पुरस्कृत करेगा। मालूम हो कि अगलगी की घटना में दोनों कर्मी फ्रंट लाइन पर थे, जहां पूरे भवन में आग के कारण धुआं भरा हुआ था। इस बीच अस्पताल के कर्मी ने जानकारी दी थी कि एक बच्चा अंदर है। इसके बाद दोनों कर्मी जान की परवाह किए बगैर अंदर गए और धुआं में फंसे बच्चे को बाहर निकाला। विशेष मध्यस्थता शिविर में 17 मामलों का निष्पादन। झारखंड विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश के आलोक में व्यवहार न्यायालय परिसर स्थित मध्यस्थता केंद्र में आयोजित 5 दिवसीय विशेष मध्यस्थता शिविर में 65 सुलहनीय मामले को सुनवाई की गई, जिसमें मध्यस्थों की ओर से उभय पक्षों के बीच सुलह कराकर 17 वादों का निपटारा कराया गया। इसके लिए मध्यस्थ के रूप में अधिवक्ता धर्मेंद्र नारायण, उग्रेश झा, अजय प्रसाद शाह एवं रीना कुमार डे ने 5 दिनों तक वादों के निष्पादन को लेकर सुनवाई की। खबर अब देवघर से। देवघर DC की गांधीगिरी बिना मास्क वालों को गुलाब दे रहे हैं। कोरोना संक्रमण का दौर थमते नहीं थमने के बाद अब उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री खुद सड़क पर उतरकर आम जनों को संक्रमण से बचने के लिए मास्क का उपयोग करने के लिए लोगों को जागरूक करने में जुटे हैं। कोविड को लेकर लगातार जारी दिशा निर्देश के अनुपालन को लेकर अलग अलग स्तर पर चल रहे अभियान के बीच शुक्रवार को DC ने गांधीगिरी की। उन्होंने टावर चौक पर बगैर मास्क पहने घूमने वालों को रोक कर उसे गुलाब फूल देकर मास्क लगाने की अपील की। फिर चलेगी अगरतला देवघर ट्रेन।
बरियारपुर, मुंगेर और खगड़िया के यात्रियों के लिए एक अच्छी खबर है। मुंगेर गंगा रेल ब्रिज से अब अगरतला देवघर स्पेशल ट्रेन भी गुजरेंगी। अब तक सिर्फ जमालपुर सहरसा मेमू पैसेंजर ट्रेन की गुजरती है। कोरोना काल के करीब 9 माह बाद पहली बार अगरतला देवघर एक्सप्रेस ट्रेन को मुंगेर गंगा रेल ब्रिज से परिचालन की हरी झंडी रेलवे ने दी है। अगरतला से 12 दिसंबर यानी आज खुलेगी और मुंगेर स्टेशन कल खुलेंगी। वहीं देवघर से 14 दिसंबर को खुलेगी और मुंगेर स्टेशन से गुजरेगी। ट्रैक्टर चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश, जमुई से 4 बदमाश गिरफ्तार। झारखंड के देवघर में पुलिस ने एक ऐसे चोर गैंग का पर्दाफाश किया है जो ट्रैक्टर और ट्रॉली की चोरी किया करता था। पुलिस ने इस गैंग के 4 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए बदमाशों के कब्जे से पुलिस ने 2 ट्रैक्टर ट्रेलर भी बरामद किए हैं। खबर अब जामताड़ा से, कर्मा दास से 3 साइबर अपराधी गिरफ्तार। जामताड़ा के नारायणपुर थाना पुलिस ने साइबर अपराधियों पर निगरानी बढ़ाने के साथ गिरफ्तारी की कार्रवाई तेज कर दी है। थाना प्रभारी सह प्रशिक्षु आईपीएस शुभांशु जैन ने छत्तीसगढ़ पुलिस से मिलकर बुधवार को 4 साइबर अपराधियों को दबोचा था। वहीं गुरुवार को शाम को अपनी अगुवाई में कर्माडा मोड़ पर छापेमारी कर 3 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। बंगाल का गुटखा जामताड़ा में खपाने जा रही वैन जब्त, 2 युवक गिरफ्तार। मिहिजाम पुलिस ने गुप्त सूचना पर प्रतिबंधित पान मसाला व गुटखा लदी मारुति वैन जब्त की है। वैन पश्चिम बंगाल से मिहिजाम के रास्ते से जा रही थी। वैन के बड़े छोटे कुल 13 बोरा और 3 कार्टन में गुटखा पान मसाला रखा हुआ था। जामताड़ा के कर्माटान में 6 व्यक्ति बिजली चोरी करते पकड़ाए गए। वेल्डिंग मशीन जब्त, ईंट भट्टों में भी चोरी से बिजली जलाई जा रही थी। 10,000 के बकायेदारों को आधी राशि जमा करने का निर्देश। संस जामताड़ा बिजली बिल बकायेदारों के खिलाफ विभाग ने कार्रवाई तेज कर दी है। बकायेदारों की लाइन काटी जा रही है। शुक्रवार को विभागीय अधिकारियों ने छापेमारी कर 6 लोगों को बिजली चोरी करते पकड़ा। एक वेल्डिंग मशीन भी जब्त की है। खबर अब पाकुड़ से, विशेष मतदाता पुनरीक्षण में लापरवाही बर्दाश्त नहीं। विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम 2021 को लेकर जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी राम प्रवेश कुमार ने शुक्रवार को पाकुड़ प्रखंड सभागार में पाकुड़ विधानसभा क्षेत्र के लिए एवं लिट्टीपाड़ा प्रखंड सभागार में लिट्टीपाड़ा विधानसभा क्षेत्र के लिए पर्यवेक्षकों के साथ बैठक की। हेमंत सरकार में भ्रष्टाचार का बोलबाला। जिला कार्य समिति की बैठक में शुक्रवार को भाजपा जिला अध्यक्ष बलराम दुबे ने कहा कि प्रदेश नेतृत्व की ओर से जिले के सभी कार्यकर्ताओं को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी है। सभी अपने दायित्व का पालन ईमानदारी से करें। अपने अपने कार्य क्षेत्रों में मोदी सरकार द्वारा किए जा रहे जन कल्याणकारी कार्यों को जन जन तक पहुँचाएं। गाँव स्तर तक प्रचार प्रसार कर अधिक से अधिक लोगों को पार्टी में जोड़ें। खबर साहिबगंज से, भारी सुरक्षा के बीच मल्टी मॉडल टर्मिनल से हटाया गया अतिक्रमण। अतिक्रमण के कारण मल्टी मॉडल टर्मिनल के निर्माण को पूर्ण करने में आ रही बाधा को लेकर शुक्रवार को अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। अतिक्रमण की वजह से पार्किंग में का निर्माण कार्य लंबे से बाधित था। करीब 1 एकड़ भूमि का अधिग्रहण 4 परिवारों ने कर रखा था। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।